दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ सूरत वाले हैं तो निकल जाएंगे ना, जो भी है सोशल डिस्टेंस करके निकल जाएंगे। बहुत परेशान में लोग इधर भटक रहे हैं। रेलवे वाले भी कुछ भी नहीं बता रहे, अपना रिजर्वेशन में भी ये टाइम में बता रहे, पर मैसेज भी नहीं आ रहा। कब आए थे आप? कब आए थे? हम आए थे 23 तारीख 22 को ट्रेन में थे। जो पता नहीं 23 तारीख को इधर 22 तारीख को इधर पहुंच गए। 22 तारीख से अभी 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट किए और 21 दिन तक, अब 21 दिन तक इधर रहने के लिए बंदोबस्त कुछ भी नहीं करके है। जो मेरे भाई साहब ये है हार्ट पेशेंट है, उनके लिए सिर्फ 8 दिन के लिए जियारत के लिए जो कितना ज़रूरत है मेडिसिन उतना ही लेकर है, मेडिसिन भी नहीं मिल रहा। इधर बहुत सारे मेडिकल शॉप में हम लोग ट्राई कर दिए, अभी सर्दी खांसी लग गई लड़के के लिए, उधर अभी भी मेडिसिन अब परचेज करके आए। बहुत तकलीफ़ हो रही, बहुत तबीयत बिगड़ रही हमारे से, यहाँ से क्लाइमेट से और खाने से हमारे को नहीं जम रहा। अभी रेलवे स्टेशन पे आके अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी नहीं बता रहे। हमारा टिकट है 25 तारीख था हम वापस जाने के लिए, अगर इधर कुछ भी कोई भी नहीं बता रहे। आप अभी कहाँ पे रुके हुए हो? हमें इधर होटल पर रुके हैं। उधर पड़ रहा किराया लग रहा है, एक दिन का किराया वो मांग रहे हैं 800 रुपये। अगर 21 दिन तक कितना पैसा होगा, कहाँ से लाएंगे हम लोग इतना पैसा? और खाने की व्यवस्था? खाने के लिए वो खादिम साहब ने थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, मगर वो कुछ खाना हमारे को भी नहीं जम रहा। कलेक्टर साहब से भी मिले? हाँ, कलेक्टर साहब से भी जाके मिला। उतना दूर तक हम लोग परमिशन नहीं देंगे, अगर रास्ते में कुछ हादसा होगा मेरी जिम्मेदारी होगी, इसलिए नहीं मिलते, मना कर दिए। वो सर्टिफिकेट्स डॉक्टर का फाइल कुछ लेके गया, इनका मेडिसिन भी ख़त्म हो रहे, हर मेडिकल शॉप में गए वो कंपनी का मेडिसिन इधर नहीं मिल रही। कितने जन आए और कहाँ से आए? हम लोग होस्पेट बेल्लारी जिला से आए, 4 लोग हैं हम लोग, एक भाभी जी है, हमारा भाई है और एक छोट 10 साल का लड़का है। वो लड़के की भी तबीयत बिगड़ रही है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन का पेशेंट है हमारे भाभी जान, वो भी नहीं मिल रहा है इधर मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब क्या मांगना कलेक्टर साहब से, क्या अपील करना चाहते हो? हम लोग किसी गाड़ी गिड़ी बना के निकल जाते हैं अपने गांव, उधर कुछ मेडिसिन गिडिसन घर पे है, क्योंकि 2 महीने का मेडिसिन देता है डॉक्टर, उधर ऑलरेडी मौजूद है। अभी वो आपने बताया कि आपके भाई जान को प्रॉब्लम है अटैक की और कुछ हो जाता तो? इसीलिए तो हम लोग कलेक्टर साहब से बात किए थे जाके, बहुत हादसा हो गया तो हमको बहुत तकलीफ होगी, इधर कोई देखने वाला नहीं, हम अनजान शहर में। कलेक्टर साहब ने क्या क्या? नहीं, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। उन लोगों ने कह रहे नहीं दूंगा, उतना दूर तक मैं परमिशन नहीं दूंगा, बस आप निकल जाओ, जब तक जब खुलेगा जब जाओ। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अंसार। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख, नाक और मुँह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की
एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।